अग्गे जी से आगे पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र ये भी एक उपन्यासकार रहे। चंद हसीनों के खतूत 1927 में, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, सरकार तुम्हारी आंखों में, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्र के माध्यम से उग्र के साहित्य को अश्लील और घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। चतुर्वेदी जी ने उग्र, निराला और प्रेमचंद का साहित्यिक विरोध किया। पांडे बेचैन शर्मा उग्र को साहित्य में प्रकृतिवादी उपन्यासकार की संज्ञा दी। निराला जी उपन्यास व गद्य साहित्य। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, कुल्ली भाट 1939, बिल्लेश्वर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 जो अपूर्ण है, और चोटी की पकड़ ये आंचलिक ग्रामीण उपन्यास है निराला जी का। भगवती शरण वर्मा, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सभी न चावत राम गुसाई, सभी न चावत राम गुसाई, सीधी सच्ची बातें, ये भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास है। इसकी कड़ी में आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क, गिरती दीवारें 1947, पत्थर अलपत्थर, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो ने नाव इस ठाव में, बांधो ना नाव इस ठाव, ये उपेंद्र नाथ अस के उपन्यास है। और अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, महाकाल, खंजन नयन, सूरदास की जीवनी पर आधारित है। मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। एकदा नेमी सारण्य, नाचो बहुत गोपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के साहित्य को हिंदी के गैर मानकों का एक पिटारा बताया। फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल 1954, पूर्णिया के मेरीगंज गांव का उल्लेख है, इसे आंचलिक उपन्यास माना गया है। मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार विश्वनाथ, नायिका कमला बलदेव, लक्ष्मीदासिन, कालीचरण, बावनदास महात्मा गांधी के प्रतीक है बावनदास। प्रति परिकथा ये 1957 में, केंद्र है इसका प्राणपुर गांव, प्रमुख पात्र जितेंद्र जितन विश्वेंद्रनाथ, प्रेम कथा विश्वेंद्र और ताजनेनी की तथा जितन और ईरावती की। दीर्घ तपा 1962 में आता है, जुलूस 1965 में आता है, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबू रोड, मन्नो प्रांत है उनका उपन्यास, ये 1979 में आता है। इनके अलावा अनेक उपन्यास इस प्रकार है, सागर लहरें और मनुष्य, ये उदय शंकर भट्ट का, आजादी सम्मुजान की ये कृष्णा सोबती का, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, कुरु कुरु स्वाहा, कयाप, कश्यप, हरिया, हरिया हमजाद, ये मनोहर श्याम जोशी जी के उपन्यास हैं। एक इंच मुस्कान 1962, मनु भंडारी, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, ये राजनीतिक उपन्यास। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन में मनु भंडारी जी ने योगदान दिया। एक सड़क 57 गलिया, ये कमलेश्वर
आंधी, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये सब कमलेश्वर जी के हैं। अलग अलग वैतरणी गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, वैश्वानर, कोहरे में युद्ध, एक चूहे की मौत, झीनी झीनी बीनी चदरिया, बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा। इस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास और उपन्यासकार हमारे जीवन में अनेक अनेक तरह से हमको और हमारे समाज को बहुत सारी चीजों से जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।